हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिद्धि और आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो काफ़ी दिनों से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं बना ही नहीं रही थी। एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं 1.5-2 महीने से काफ़ी बीमार थी। उसके बाद मैं ठीक हुई हूँ तो अब मैंने स्टार्ट किया। और ये रही मेरी मेहंदी जो मैंने लगाई थी करवा चौथ पर, और ये अभी भी वैसे की वैसी ही है। और आज है 10 नवंबर, कल और परकल है छोटी दिवाली, और उसके बाद है परसों बड़ी दिवाली जिसका वेट सबको रहता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे इतना ज़्यादा खिलारा पड़ा है क्योंकि हमने आजकल टाइम नहीं मिल पा रहा है हमको, क्योंकि हमने कुछ स्टार्ट किया है। तो हमने क्या स्टार्ट किया वो आपको आगे चल के व्लॉग्स में पता लग जाएगा। तो यहाँ पे चलो फिर। तो हमारे घर में तो एक चोर घूम रहा है, देखो जब मैं आ रही हूँ यहाँ पे। ये मैंने दूर से बनाई है वीडियो क्योंकि जब मैं पास आ रही थी तो ये भाग जा रही थी मुझे देख के, और यहाँ पे हमने इसमें चावल डाल रखे थे तो ये ले के मतलब। और सडनली हमारा प्लान बना और हम पहुँच गए हरिद्वार, जलंधर से हरिद्वार पहुँच गए। क्योंकि हमें दिवाली हम डिसाइड कर रहे थे कि घर पे बनाएं कि यहाँ पे बनाएं, फिर सडनली हमारा प्लान बना, हमने कहा चलो घर पे बनाते हैं, हमारी फर्स्ट दिवाली है शादी के बाद की। तो हम पहुँच गए हरिद्वार। तो ये अभी हरिद्वार स्टेशन पे रुकी हुई है ट्रेन, सुबह सुबह का टाइम है और हरिद्वार में सारे उतर जाते हैं। वैसे तो पूरी ट्रेन फुल थी और हमने सडनली टिकट्स करवाई थी तो हमें बुकिंग भी नहीं मिली थी, रिजर्वेशन नहीं मिला था हमको। तो हम ऐसे ही रात भर एक दो ऐसे ही सीट्स पे, किसी की सीट्स पे बैठ कर आए। और हरिद्वार से निकल चुकी है ट्रेन अब, और हमें उतरना है ऋषिकेश में। और यहाँ का सुबह का व्यू इतना अच्छा है, मतलब शांति सी है और ठंड भी है क्योंकि यहाँ पे मॉर्निंग में ही बारिश हुई है तो इधर थोड़ी ठंड है। जलंधर में उतनी नहीं है, हाँ वहाँ पे भी बारिश हुई थी मॉर्निंग में। और ये मैं हूँ जो रेडी हो चुकी है जाने के लिए, और मेरे पति देव यहाँ बैठे हुए हैं, ये रेडी नहीं हुए, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं बस कि कब मैं घर पहुँच जाऊँ। और स्टेशन से निकल के हम पहुंच चुके हैं ऑटो में जो हमें स्टेशन के बाहर ही मिल गया, ऋषिकेश स्टेशन के बाहर। और ऑटो वाले अंकल बाहर खड़े हैं, ये रे ये और सवारी देख रहे हैं कि मिल जाए उनको, बट मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कोई आएगा। तो स्टेशन से हमें जाना है अभी बस स्टैंड पे, टीरी के बस स्टैंड पे। और मैंने सुना है कि वहाँ पे 3 बस स्टैंड्स हैं एक ही साथ। मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ तो मैं बस से आई नहीं थी, एक ही बार आई हूँ। और अभी मैं ससुराल भी अपने सेकंड टाइम जा रही हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं यहाँ पे कहाँ से क्या जाते हैं ये वो थोड़ा बहुत है। और अब हम पहुँच चुके हैं, बस में बैठ चुके हैं, हमें बस मिल गई थी लकीली, टिकट्स भी नहीं लेनी पड़ी थी। और यहाँ पे काफ़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ मिलती हैं, ये जगह कौन सी है मुझे नहीं पता बट ये रास्ते में पड़ती है हमारे घर जाते वक्त, और व्यू देख सकते हैं आप। और अभी हम पहुँचेंगे शाम को घर, तो जब तक के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।